पूछ जाकर खबर जमाने के लिए आई है। तुम्हारी पुजारी मेरे चाचा जी काल चौड़ा के पश में पड़ गया। नहीं माँ, तू मेरे पीछे तैयार ना माँ, मैं चौड़ा ब्राह्मण को एक बार जरूर। ठीक है बेटा जाओ।
कहता हूँ अंदर से घाव बन चुका है उदल, इन्हें सही हो जाने दो, बाद में तुम्हें जो इच्छा होगा कर लेना। Oh, God!
भूला चाचा जी। मैं तुम्हें नहीं भूला, ना जाने तेरा माँ कौन सा नाश्ता करवाया। तुमने नशा में नींद में गहरे नींद में सो गया, मैं क्या करूं। मैंने अपने आन शान के लिए तुम्हें छोड़कर रात घाट गंगा चला गया। बेटा यहां चौरा से युद्ध हुआ है, देख रहे हो मेरा बाया बाह तोड़ दिया है। कान्हा बहलिया भागलपुर का एक आंख का मालिक है, जिसको 100 कोस में निशाना चलता है। धोखा से छल से मेरा ऊपर गोली चलाया है, जिससे मेरा बाह टूट गया है। हाय चाचा जी, मैं जख्मी हो गया हूं बेटा। अब आप इस बात को चिंता नहीं करना है। काल चौरा ललकारा दे रहा है, गंगा घाट पर डटा हुआ है, फिर से ढाठ मार दिया है, पानी रोक दिया है। जाओ बेटा, इस समय तुम गंगा का पानी आजाद करो। चाचा जी, जब तक तुम पानी आजाद करके नहीं आओगे, उदल को सामने मुख दिखाने नहीं आना। ठीक है चाचा जी, जाइए, मैं जरा ब्राह्मण को देखता हूं। छत्री जब पानी पिएंगे, मेरा आशीर्वाद देंगे,
मेरा गुण को गाएंगे, इसलिए आज मैंने यह ढाट तोड़ दी। हरमजादे तुम किस किसी का खेती उजाड़ दोगे? ये मेरा खेती है, ये मेरा बिजनेस है, ये है, ये देश मर का भैया जी क्यों देखा।